नमस्कार, मैं मोहम्मद मुशर्रत और आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद। यूँ तो आपने हमारे द्वारा कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज जो इंटरव्यू हम आपको दिखाने वाले हैं वो सबसे अलग है। जिस तरह से आप जानते हैं, भारत में कई कमांडोज सिक्योरिटी पर्पज़ से काम करते हैं, लेकिन एक कमांडो और है जिसके बारे में सुनकर आपको बड़ा ही अजीब सा लगेगा। ये कमांडो भी सक्रिय है पूरे देश में और वो कमांडो काम करती है लवर्स के लिए। उसका नाम है लव कमांडोज। पूरे देश के अंदर जैसे आप देखते होंगे कि जिस तरह से प्रेमियों को परेशान किया जाता है, लेकिन एक कमांडो ऐसा है जो उनके लिए ही रात दिन काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं लव कमांडो के चेयरमैन संजय सचदेवा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो पहला सवाल है आपसे, लव कमांडो आखिर क्या काम करती है? इस देश में सदियों से एक गलत धंधा चल रहा है, प्रेमियों और प्रेमिकाओं को प्रताड़ित करने का, उत्पीड़ित करने का, दंडित करने का। शुरुआत होती है घर से, परिवार से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, और ये रोग फैलता है समाज में, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, पड़ोस में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, लड़के के नाम पे, लड़की के। हम भारत को इस रोग से, इस महामारी से मुक्त कराने का काम कर रहे हैं, प्रेमियों के अधिकारों की रक्षा का काम कर रहे हैं, मिला रहे हैं उन प्रेमियों को, प्रेमिकाओं को, जिनकी जानों को खतरा है इन तमाम दुर्दांत ताकतों से। क्योंकि हमारा मानना है कि प्रकृति प्रेम है, प्रेम प्रकृति है। प्रकृति के विरुद्ध जो चला वो तहस नहस हुआ, जो प्रकृति के साथ चला वो कामयाब हुआ। हम प्रेम के साथ हैं, हम नौजवानों के साथ हैं, इसी विश्वास के साथ, दैट लव शैल रूल द वर्ल्ड वन डे। जी हाँ, आखिर एक दिन पूरी दुनिया में प्रेम का शासन हो, हिंसा का खात्मा हो, उसका एक ही रास्ता है प्रेम, और प्रेम की लड़ाई लड़ता है लव कमांडोज। आपको यूँ क्यों लगता है कि ये जो प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, जो समाज का एक बड़ा हिस्सा इनको प्रताड़ित कर रहा है, इस चीज़ को गलत मान रहा है, आप इस चीज़ को सही कह रहे हैं, कैसे? हम अपने देश की संस्कृति में देखें, दुनिया का पहला इंटरकास्ट लव कपल हुआ भगवान शिव और माँ पार्वती। भगवान शिव ओघड़ यानी आज के शेड्यूल कास्ट और गरीब, बिल्कुल नंग धड़ंग पक्कड़ बाबा, और माँ पार्वती ब्राह्मणी, राजा की बेटी, सजे समरे कपड़ों में। दोनों के मम्मी पापा तैयार नहीं थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं भाग गए, वो भी निकले भागे, चले गए, पार किया जम्मू, पार किया उधमपुर, चलते रहे पहाड़ों में, रुका एक गुफा में जो आज तीर्थ है शिव खो के नाम से, फिर गुफा से निकले, आगे चले एक सरोवर के बीच में, मानतलाई पे वो सरोवर है, जंगली फूलों की माला पहनाई एक दूसरे को और पति पत्नी स्वीकार किया। बहुत सी भ्रांतियां हैं कि सेम जाति होना चाहिए, सीता की तो कोई जाति नहीं थी, धरती पुत्री थी, और स्वयंवर में आने वाले राम राजपूत थे और रावण ब्राह्मण थे, तो सेम जाति का सवाल कहाँ से आया? इस्लाम की तरफ चलते हैं, जब तक लड़की कबूल नहीं बोलेगी शादी की कोई रस्म और रवायत शुरू नहीं हो सकती, वो भी वॉलंटरीली, जबरदस्ती से बुलवाया हुआ, इस्लाम में वाजिब नहीं है। हमारे कानून में, इंटरनेशनल लॉ में, दोनों में सिर्फ और सिर्फ मैरिज बाय चॉइस का प्रावधान है। अरेंज मैरिज या मैरिज बाय अरेंजमेंट, इसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार की तमाम शादियां गैर कानूनी और गैर वाजिब हैं, लेकिन हो रहा है आडंबर। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है कि अगर आपने शादी की बारात निकालनी है तो पहले कंसर्न्ड लैंड ओनिंग अथॉरिटी PWD, MCD, DDA सबसे परमिशन लेंगे, सड़क या गली के एक चौथाई से ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, और शाम के 5 बजे के बाद बारात नहीं निकलेगी। साथ में ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र भी पुलिस के पास में होने चाहिए, सब चीज़ें होने चाहिए, लेकिन कहाँ कौन कानून का पालन कर रहा है? हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग डायरेक्शन है पूरे देश की पुलिस को कि हर गली, हर मोहल्ले, जहाँ भी प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, पता लगाओ, उनकी सुरक्षा करो। लेकिन प्रेमी प्रेमिका प्रताड़ित हो रहे हैं, पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल अपील 958 of 2011 में कहा कि जहां काम करने में नाकाम रहें तो जिले के कलेक्टर SP को कोएक्यूज बना के जेल में डालो, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे प्रोटेक्शन ऑफ लवर्स राइट्स की बात ही नहीं है,
इसलिए ये खुले छुट्टा सांड की तरह आईएएस आईपीएस अफसर घूम रहे हैं जिनके इलाकों में आनर क्राइम हुए हैं। लेकिन इस देश का नौजवान जाग गया है, वो दिन दूर नहीं, पूरे देश में अचानक प्रेम क्रांति आएगी। नौजवान लड़के लड़कियां सड़कों पे होंगे, गलियों में होंगे और प्रेम क्रांति जिंदाबाद का नारा लगा रहे होंगे और लव कमांडोज की आवाज़ उनकी आवाज़ में मिलती हुई नजर आएगी। वो प्रेम क्रांति का दिन किसी दिन भी आने वाला है, बस जरा सा इंतज़ार है। ये नौजवान का, ये जवानी का ज्वालामुखी फटने दीजिए, जवानी का ज्वालामुखी फटने दीजिए। पार्कों में, सड़कों के किनारे और इस तरह पे जो वो फटता है वो कितना असभ्य लगता है देखने में समाज में, तो आप इसको तो पूरी तरह से इसका सहयोग कर रहे हैं जबकि वो पूरी तरह से गलत है। ये सारी चीज़ें चार दीवारी में हो तो अच्छा लगता है। प्रेम प्रसंग जो है वो शुरू हो जाता है बिल्कुल रोडों पर, सड़कों पर, मेट्रो पर। प्रेम किस प्रकार का हो रहा होता है? हाथ पकड़ा है, लड़का लड़का हाथ पकड़े तो अपराध नहीं, लड़का लड़की हाथ पकड़े तो अपराध हो गया भाई। हमारे देश के संविधान में साफ लिखा है, देयर कैन बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात, संस्कृति भी तो कोई चीज़ है ना। ये झूठा प्रपंच फैलाया जा रहा है कि ये विदेश से संस्कृति आ रही है। विदेश के लोग अजंता, एलोरा और कोणार्क से ये खुला घूमने की, खुले प्रेम की संस्कृति भारत से लेके गए और यहाँ के लोग उस संस्कृति को दबाना चाहते हैं, अपनी मूल संस्कृति को। क्यों? इसलिए कि जब तक ये इंतजामिया जुगाड़ू या अरेंज मैरिज होती रहेगी, बड़े बड़े व्यापारियों के धंधे चलते रहेंगे। उन धंधों की रक्षा करने का धंधा है, सोनार के धंधे का, कार शोरूम के धंधे का, मोटरसाइकिल शोरूम के धंधे का, टेंट वाले के धंधे का, कैटरर के धंधे का, कपड़े वाले के धंधे का, महंगे कपड़े वाले के धंधे का। उन पूंजीपतियों को बचाने की ये गहरी साजिश है। समाज इसी से रोटी खा रहा है, ये सारी चीज़ें मिलकर किसी एक की शादी हो रही है और इतने सारे लोगों को रोटी मिल रही है, तो ये तो भला है ना समाज का। हमारे देश के कानून में गेस्ट कंट्रोल ऑर्डर 1965 में लागू हुआ, सरकार के पास स्टाफ नहीं है उसे लागू करने के। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कई राज्यों में 11 से ज़्यादा बाराती अलाउड नहीं है। तो फिर जब ये हजारों लोगों का भोज किया जा रहा है, वो कानून टूट रहा है, पुलिस क्यों इन खाना खाने वालों और खिलाने वालों को पकड़ के जेल में नहीं डालती? उस नौजवान को बड़ा करने में, नौजवान उसको बनाने में उसके माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। उसे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, 20-22 साल की उम्र में उसे प्रेम हो जाता है, 2 साल के बाद वो किसी और के साथ भाग जाती है या भाग जाता है या चला जाता है। ऐसे में 2 साल के प्रेम को आप प्रेम कह रहे हैं और जो 18-20 साल का उसके माँ बाप ने किया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसके पीछे इतना कुछ किया, उसकी माँ ने 9 महीने उसको अपने पेट में रख के अपने खून से सींचा, ये क्या ये प्रेम नहीं है? क्या ये मोहब्बत नहीं है? इसकी कोई अहमियत नहीं है उन 2 साल के प्रेम के आगे? आप उस माँ बाप की तरफ मत देखिए ना, ये देखिए कि आपने कहा वो चली गई, भाग गई, मान लिया वो पीटी उषा हो गई और लड़का मिल्खा सिंह हो गया, लेकिन क्या उन्होंने अपने बच्चे को जो पेट में रखा किसी अलग तरीके से रखा और मेरी माँ ने किसी अलग? नहीं, ऐसा तो नहीं। ये सृष्टि का चक्र है, इसे रोकने की कुचेष्टा मत करें संस्कृति के नाम पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक इस देश की अदालतों में चलने वाले मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का 98.6% अरेंज मैरिज, फोर्स मैरिज, जुगाड़ू मैरिज, इंतजामिया शादी, माँ बाप की थोपी गई शादियों से है। 98.6% मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। साफ जाहिर है, लव मैरिज की जय है, लव मैरिज कामयाब है। वकील साहब, आप कितना सहमत हैं इस बात से? ये नहीं मान सकते कि लव मैरिज का एडवांटेज उतना है जितना अरेंज मैरिज का। अरेंज मैरिज में आपको समझाने के लिए 2 पक्षों के बड़े बुजुर्गों का तजुर्बा होता है कि 3 से 4 पीढ़ियाँ तक अपने एक ही घर में रह रहे हैं और वहाँ से बातचीत इस तरीके से एक्सचेंज हो रही है कि ऊपर से नीचे तक जो आज से 50-60 साल पहले का तजुर्बा है और वहाँ से आज तक का तजुर्बा है, वो एक ही पल में आपके 5 साल के बच्चों को वो तजुर्बा हासिल हो रहा है। लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर शादी कर रहे हैं तो उनको एक्सेप्टेबिलिटी मिलनी चाहिए समाज में, और मेरे ख्याल से यही लव कमांडो का काम है। सर, आप लॉ की बात कर रहे हैं, 18 साल और 21 साल के अगर लड़का लड़की हैं तो वो अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप एक काम कर रहे हैं कि आप प्रेमी जोड़ों को मिला रहे हैं, मुंबई में और ऐसी जगह पर ऐसे बहुत सारे दल हैं
जो प्रेमी उत्सव जो होते हैं, जब वो एक साथ कहीं पाए जाते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें तंग किया जाता है लोगों द्वारा, और ऐसे दल हैं काफ़ी सारे जो इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बहुत बार टकराव हुआ हमारा शिवसेना से, श्री राम सेना से, दुख्तराने मिल्लत वालों से, ना जाने किस किस से। जब उन्हें हमने कहा तुम नाम शिव का लेते हो, शिवसेना शिव की सेना, और प्रेम विवाह की शुरुआत तो भगवान शिव ने की थी, ये कहानी है, तो उन्हें बुद्धि आ गई, बाकियों को भी सदबुद्धि आ जाएगी। नौजवानों को सड़कों पे आने दो। कि यूपी में बड़ी तेजी से काम कर रहा है एंटी रोमियो, जो ये सरकार खुद चला रही है। एंटी रोमियो शब्द गलत है, लव जिहाद शब्द गलत है। कुछ लोग बावरे सिर फिरे पागल हो सकते हैं जो प्रेमियों को टॉर्चर कर दे, लेकिन इधर पिछले कुछ समय से, अखिलेश यादव के समय से शुरू हुआ यूपी पुलिस में सुधार, और अभी तक जारी। जहाँ अट्रैक्शन है और विद कंसेंट है, वहाँ आपत्ति नहीं की जा सकती। कानून बिल्कुल साफ है, कानून में रोक नहीं है। सर, जिस प्रेम से भरपूर भारत का आप सपना देख रहे हैं, इसी भारत में जब वो प्रेम शुरू होता है, और जब उसका शुरुआती दौर से लेकर कम से कम 3-4 साल लग जाते हैं शादी तलक, वो समझने में, जिस तरह की बातें आपने अभी हमें बताई, उस बीच इस तरह से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि वक्त ऐसा आता है कि उन्हें गलत कदम उठाना पड़ता है, जिस तरह की आप ऑबेशन जैसी चीज़ें भी हो जाती है, तो इस चीज़ को आप एक तरह से ऐसा लगता है कि आप बढ़ावा दे रहे हैं? जहाँ लस्ट होगा वहाँ तो एबॉर्शन होगा या नौबत आएगी, जहाँ लस्ट नहीं है लव है वहाँ एबॉर्शन की नौबत नहीं आएगी। प्रेम तपस्या भी मांगता है, प्रेम सिर्फ सेक्स नहीं है, प्रेम बड़ा विशाल शब्द है, प्रेम को प्रेम के अर्थ में लेके चलना हो तो ये प्रेमियों को भी निज पे नियंत्रण रखना होगा कि समाज के लोग ये ना कहें कि ये गलत काम है। कानून की दृष्टि से देखें तो कानून तो यहाँ तक कहता है लिव इन रिलेशनशिप, उससे आगे डीम्ड मैरिड की परिभाषा कि जहाँ एक मैरिजेबल लड़का और मैरिजेबल लड़की में 2 बार से ज़्यादा या बार बार फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप बन जाता है, वो डीम्ड मैरिड हस्बैंड वाइफ, उनका स्टेटस ऊपर उठ जाता है और कानून को उन्हें पति पत्नी का दर्जा देना पड़ता है, लेकिन वो लड़ाई ज़रा लंबी हो जाती है, लड़ाई का तरीका वो भी। सर, ये तो रही लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात, लव कमांडो की बात करते हैं। आखिर लव कमांडो इन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए कैसे काम करता है? जिसे शादी की ज़रूरत है उसे शादी करवाते हैं, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए कानून की प्रक्रिया का साधन लेते हैं, शेल्टर चाहिए तो हमारा एक बेस शेल्टर, 7 शेल्टर पूरे देश में, 500 से ज़्यादा मेकशिफ्ट शेल्टर हैं जहाँ ये जोड़े रहते हैं, खाते हैं, रहना खाना फ्री है, वो सेवा हम करते हैं, बाकी खर्चे इन प्रेमी जोड़ों को उठाने पड़ते हैं। कानून की कार्रवाई हम मजबूत वाली करते हैं। अब जब मजबूत वाली करेंगे तो उसमें साइटेशंस भी आएंगी और सर्टिफाइड भी आएंगे, मल्टीपल सेट्स भी मूव होंगे, मल्टीपल एजेंसीज भी इन्वॉल्व होंगे, खर्चा भी उस हिसाब से होगा। बहुत बार प्रेमी जोड़ों के पास तत्काल में नहीं होता, वादा करते हैं बाद में देंगे, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते, लेकिन हम धन्यवाद नहीं है इस देश के, विदेश के पत्रकारों के और प्रेम में विश्वास रखने वालों के जो लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। लेकिन कुदरत से मदद इतनी मिलती है कि पूरा खर्चा करने के बाद में हम पिछला कर्जा जो है उतारने की हालत में कभी नहीं हुए। यदि इस देश का प्रेम करने वाला हर एक नौजवान लड़का लड़की तय कर ले कि मैंने महीने में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक कुछ भी लव कमांडोज को चंदा भेजना, तो हम इन प्रेमियों को खर्चा बर्दाश्त करने को भी ना कहें। इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं आप और इतने प्रेम जोड़ों को आप सहयोग कर रहे हैं, तो क्या कोई सरकारी मदद नहीं मिलती आपको? हम ना सरकार के पास एक पैसे की भीख मांगने कभी गए ना जाएंगे। हम सरकार से कानून के दायरे में प्रशासनिक मदद मांगते हैं, वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। सर, जो प्रेमी प्रेमिकाएं आपकी शरण में आते हैं वो तो आपको दुआएं देते हैं, और अगर किसी की क्षमता होती है तो वो आपके बाद में फंड भी करते हैं, आपकी मदद भी करते हैं इस संस्था के लिए, लेकिन जिस घर से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनके घर वाले आपको गालियाँ भी देते हैं, लानत भी भेजते हैं और ना जाने कैसी कैसी बददुआएं भी देते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं वो जो लानत देते हैं, बददुआ देते हैं, गालियाँ देते हैं थोड़ी और देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि के बैंक बैलेंस में
ये असंसद शब्द, ये अभद्र शब्द जितने हैं वो हम पे निकाल लें, वो खाली कर लें और उस जगह सद्बुद्धि आके अपना स्थान ग्रहण करें ताकि वो प्रेमियों का सम्मान कर सकें। सर सत्यमेव जयते में आमिर खान साहब के साथ हमने आपको देखा, तो हमने ये भी सुना था कि वहाँ से आपको कुछ मदद भी मिलनी थी आपकी संस्था के लिए, तो कितनी मदद मिली आपको? जी हाँ बिल्कुल मिली, हमारी वेबसाइट पे हमने साफ लिखा है, हम चार लोग गए थे, 4,004 रुपये मिले थे। कोई शक नहीं सत्यमेव जयते में आने से हमारा एक्सपोजर बढ़ा। हर हफ्ते में 20-30-50 ऐसी ईमेल होती हैं जिसमें उस शो का हवाला होता है, मतलब साफ है कि एक्सपोजर मिला, क्रेडिबिलिटी बढ़ी। लेकिन हम सत्यमेव जयते से नहीं हैं, आमिर खान ने भी कहा कि बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये लोग मिले, यानी हम एग्जिस्ट कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, हमारे काम को उन्होंने सलाम किया, हम उन्हें सलाम करते हैं। सर आखिर में बहुत सारे प्रेम प्रेमिकाओं के बारे में, बहुत सारी प्रेमी कहानियों के बारे में हमने आपसे बात कर ली, लेकिन आपके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, आपके ज़िंदगी में प्रेम ने कैसा रस घोला, आपकी ज़िंदगी में वो ऐसा कौन सा क्षण था कि आप इस लाइन से जुड़े, आपने की ज़िंदगी के प्रेम के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे। मेरे स्वर्गीय छोटे दादा ने इंटरकास्ट मैरिज की, मेरे फादर ने भी की, मैंने भी की, मेरी शादी तो कार्य समाज मंदिर में हुई थी, मेरी पत्नी को पसंद मेरे परिवार ने किया। मेरा शुरुआती जीवन एक युवा नेता, एक छात्र नेता के रूप में जब मेरा जिया तो मुझे लगा कि मेरे साथियों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा। लेकिन जब देखा कि दुनिया के इकलौते धर्मनिरपेक्ष उत्सव हर कौम के लड़का लड़की मनाते हैं वैलेंटाइन डे, उसका कुछ खड़ूस लोग, कुछ बुद्धि भ्रष्ट लोग विरोध करते हैं, मुझे फख्र है अपने तमाम साथियों पर, खासकर हर्ष मल्होत्रा जी पर, उस दौर में मिल के चले, मुकाबला करते रहे, जेल भी गए, बस यूँ ही चलते चलते लव कमांडोज का गठन हो गया। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में आज उन बच्चों से प्रेम है हमें जो हमारे बच्चे बनते हैं। आज लाखों बच्चे लव कमांडोज परिवार के साथ जुड़ चुके हैं जो मुझे बाबा कहते हैं। हमारी कोर टीम में जो मेरे बाद नंबर दो चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष मल्होत्रा जी, उन्हें पापा कहते हैं, राजेश जी को पापा कहते हैं, सागर जी को पापा कहते हैं, सोनू जी को पापा कहते हैं, गोविंदा को भैया कहते हैं, हमारी वाइफ्स को मम्मी कहते हैं। तो आज प्यार करने वाले इतने लाख बच्चे मिल गए, अब हमें और क्या चाहिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट देवजीत और लव कमांडो के चेयरमैन संजय सचदेव साहब जी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि प्रेम किस कानून के अंतर्गत वो सफल हो पाएगा, प्रेमियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, हम अपने दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम सहमति या असहमति तो नहीं दिखा रहे, लेकिन इतना कहना चाहेंगे जो प्रेमी जोड़ा है वो अपने परिवार के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति थोड़ी सी संवेदनशीलता हो जाए, और उसके जो समाज है, जो परिवार हैं, जो माँ बाप हैं, वो भी अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें समझें कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि शादी के बाद आपको नहीं उस बच्चे को रहना है उनके साथ। आप देख रहे थे सामाजिक संवाद, मैं मोहम्मद मुशरत, कैमरामैन आकाश जैन के साथ।